हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्वायर हेल्थ वंस अगेन। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने चेहरे को गोरा बनाने का सोचते होंगे, बेदाग बनाने का सोचते होंगे, पिंपल रिंकल फ्री बनाने का सोचते होंगे और आप किसी की सलाह लेते होंगे, तो भाई आपको एक ही सलाह देता होगा कि आप पेंटर्म प्लस का यूज़ कर लीजिए। 10 से लेकर 15 दिन तक आप यूज़ करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग बन जाएगा। पर दोस्तों, क्या यह सच में होता है? क्या पेंटर्म प्लस क्रीम लगाने से आपका चेहरा गोरा बनता है, आपके पिंपल्स ठीक होते हैं? क्या यह आपकी चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करता है या फिर नहीं करता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। इसी के साथ जानेंगे कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किन लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए दोस्तों, समझने की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मिला गया है ऑर्निडाजोल, क्लोबिटासोल, ऑफ्लोजेसन और टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड जैसे इंग्रेडिएंट्स। यह सारे के सारे इंग्रेडिएंट एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करते हैं, मतलब कि अगर आपकी स्किन पर कोई भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज हो जाती है तो पेंटर्म प्लस क्रीम उस डिसीज को ठीक करने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक ठीक करती भी है। दोस्तों, इसी के साथ टर्बिनाफाइन जो इंग्रेडिएंट इसमें मिलाया गया है उसका एक एडिशनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप शूज पहनते हैं और अगर आपको वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी यह ठीक करता है। अब अगर हम इसके अदर यूजेस की बात करें तो इसके कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि स्किन रेडनेस में भी यह हेल्प करता है, स्किन की कोई भी एलर्जी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक्जिमा हो जाती है, ईचिंग होती है, तो यह उन सब बीमारियों को ठीक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि क्या यह क्रीम आपको सच में गोरा बनाती है या फिर नहीं बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसका साफ साफ जवाब है कि यह क्रीम आपको बिल्कुल भी गोरा नहीं बनाती है। अगर आप इस क्रीम को गोरा होने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यह आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है, क्योंकि दोस्तों इस क्रीम में एस्टेरॉयडल इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो कि आपकी स्किन को थिन कर देते हैं। अगर आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह में लगा रहे हैं तो यह आपकी स्किन को थिन कर सकती है। पेंटर्म प्लस क्रीम आपकी स्किन को रेडनेस भी दे सकती है। स्किन थिन होने के कारण आपको कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, आपकी स्किन ड्राई भी हो सकती है, आपकी स्किन पर सूजन भी देख सकती है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ईचिंग भी हो सकती है, एक्जिमा भी हो सकता है और हर प्रकार की आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन बर्न भी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इस क्रीम को जब भी लेना है तो डॉक्टर की सलाह में ही लेना है और गोरा होने के लिए इस क्रीम को बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इससे आपको ईचिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, आपको एक्जिमा हो सकती है, मतलब कि जो चीज़ें जो आपकी ठीक हो रही थी इस क्रीम से वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो इसका यही है कि यह आपकी स्किन को थिन बनाता है और आपको ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम यह दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रीकॉशन है अगर हम इस क्रीम को लगा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप इस क्रीम को 10 से लेकर 15 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और जब तक आप इस क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग सनलाइट में डायरेक्ट ना जाएं, अपने फेस को कवर करके ही जाएं या फिर आप कोई भी माइल्ड सनस्क्रीन का यूज़ करके ही जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको पेंटर्म प्लस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी दे पाया हूँ। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो इस क्रीम को लगाने से पहले आप मेरे से वो क्वेरी को वो डाउट पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि बस हर एक वीडियो पहुँचती रहे और हमेशा स्वस्थ बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।